देखो भाई, इस समय मार्केट में दो मूवियों का हल्ला मचा हुआ है, एक गदर 2, दूसरी ओ माय गॉड 2। हर कोई इनकी एडवांस बुकिंग की बात कर रहा है और यह दोनों ओपनिंग डे पर कितना कमाएंगी, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, हर कोई यही जानना चाहता है ओपनिंग डे पर। लेकिन साफ दिख रहा है कि रेस में गदर 2 काफी आगे निकल चुकी है ओ माय गॉड 2 से। लेकिन यह तो कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच एक पर्दा फाड़कर मूवी सामने आई है जिसने बॉलीवुड का खेल खत्म कर दिया है। और यह मूवी है रजनीकांत सर की जेलर, जो इस समय सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। एकदम पैसा वसूल मूवी है, आपको मजा आ जाएगा मूवी देखकर। और यह मूवी काफी लंबी भी है, करीब 2 घंटे 48 मिनट की है। आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, एकदम माहौल बनाकर रखेगी। और जब भी रजनीकांत सर आएंगे स्क्रीन पर तो आप सीटी तो बजा कर ही मानेंगे, एकदम माहौल बना दिया है इस मूवी ने। उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइम सब जबरदस्त है। चलो इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी भी जान लेते हैं। नैनसन दिलीप कुमार के डायरेक्टर बनी जेलर मूवी कहानी है एक साधारण से परिवार के बाप बेटे की। बट जो आने वाली मूवियाँ हैं वो भी बाप बेटे के रिलेशन पर आधारित हैं, लाइक गदर 2 एंड ओ माय गॉड 2। फिलहाल जेलर मूवी में रजनीकांत एक रिटायर्ड जेलर है और उनका बेटा है पुलिस अधिकारी। अचानक वो कहीं गायब हो जाता है। बट जब रजनीकांत को पता चलता है कि उनका बेटा गायब हो गया है या अब नहीं रहा, उसके बाद गुंडा राज का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। गुंडा राज का खात्मा करना शुरू कर देते हैं रजनीकांत और अपने एक नए अवतार में आ जाते हैं, जिन्होंने अभी तक उनका नया अवतार नहीं देखा होता। भाई गजब का अवतार होता है और वो गुंडा राज का सफाया कर देते हैं। अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो इस तरीके से बेताब हो जाते हैं जैसे कि कुछ भी कर देंगे वो, और देखने को मिलता भी है कि अपने बेटे के लिए कितना बेताब हो जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट जब आता है कि जब उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटे का किडनैप हुआ है, ना कि मेरे बेटे का मर्डर। स्टोरी सुनकर आपको यह साधारण सी स्टोरी लग रही होगी, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो कई सारे ट्विस्ट हैं। जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त एक्शन है, रजनीकांत सर की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है दोस्तों, और एक मास मूवी है दोस्तों। फर्स्ट हाफ दोस्तों आपको एंगेजफुल लगेगा, जबरदस्त लगेगा, आपको बांधे रखेगा, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन इसका क्लाइमैक्स आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा होने वाला है, कमाल का होने वाला है, जो अभी तक आप लोगों ने किसी बॉलीवुड में नहीं देखा होगा। रजनीकांत सर के अपोजिट हैं विनय कन, जिन्होंने एक विलेन का किरदार निभाया है और काफी अच्छे तरीके से किरदार निभाया है विलेन का। नैनसन सर ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है एक विलेन को, काफी काबिले तारीफ है। वहीं पूरी मूवी रजनीकांत सर के कंधों पर बनी ही वही पूरी मूवी लेकर चलते हैं। बाकी तो जो उनके स्टार कास्ट है मूवी की वो आती है और चली आती है, लेकिन पूरी मूवी को संभाले रखते हैं रजनीकांत सर। ऐसे ही नहीं वो साउथ के सुपर स्टार कहलाते हैं भाई, कुछ तो बात है। इस एज में वो यह कमाल कर दें वो सिर्फ रजनीकांत सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। अनिरुद्ध जी ने कमाल कर दिया दोस्तों, BGM एक नंबर डाला है, सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे दोस्तों। काबिले तारीफ है म्यूजिक इस मूवी का, जो इस मूवी को एक लेवल अप ले आता है। अगर हम इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करेंगे तो यही कहेंगे फाड़ो मूवी है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों।